आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अब श्रमिकों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में अब तक हजारों श्रमिक इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिसके तहत वह अपना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में करा सकते हैं। जिले में भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। उनके साथ साथ अन्य श्रमिक भी इस योजना से जुड़कर आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक परेशानियों से बच सकते हैं। हालांकि इस योजना के तहत केवल श्रम कार्डधारी श्रमिकों को ही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। यदि वह 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में पिछड़े परिवार से नहीं आते तो उनके पूरे परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। बिहार सरकार के साथ एक MOU साइन हुआ है, ठीक है, NHA का, जिसमें जितने भी बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड के तहत जो भी हमारे लेबर है उन लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ है, उन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनता है। ठीक है, पहले जो मैंने बताया था उसमें पूरे परिवार के सदस्यों का कार्ड बनता था, और ये लेबर कार्ड जिनका बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड के तहत है उनका आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड भी बन जाता है। उनके पास बस एक A4 साइज का उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड उनका बना होता है जो बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड उनको देते हैं। वो कार्ड लेकर आते हैं और बस उनका अंगूठा का प्रिंट लगता है, आधार कार्ड के साथ आते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। इसकी संख्या भी जो है मैं आपको बता दूं कि 38,195 आज से एक महीना पहले हमारे लाभार्थी थे। बिहार लेबर डिपार्टमेंट जितने लोगों को लेबर में इंक्लूड करते जाता है उतने लोगों के आयुष्मान की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब जिनका नहीं है वो जाके श्रम विभाग से ये कर सकते हैं। हाँ, अगर जिनका नहीं है अगर वो लेबर डिपार्टमेंट में गए, मीन्स लेबर डिपार्टमेंट ने जिसको भी लेबर घोषित कर दिया उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक केसरी ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत 1574 किस्म की बीमारियां होने पर रोगियों को लाभ मिलता है। ऐसे में यह योजना सबके लिए लाभकारी है।